नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके जो रेगुलर फीडबैक्स आ रहे हैं हमारे पास, आपकी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम उन फीडबैक्स को रेगुलर चेक कर रहे हैं और उसके बाद हमने ये सोचा कि एक वीडियो बनाएं, क्योंकि फार्मेसी के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक्स के स्टूडेंट, ये इन लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है, जिसके चलते हमने ये वीडियो बनाने का सोचा। और बाकी सारे बच्चों के लिए कुछ जनरल डायरेक्शंस हैं, क्योंकि बच्चों को हमने बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देखे रखे हुए हैं कि आपको ये करना होगा, ये नहीं करना होगा, लेकिन आपने जल्दी जल्दी में क्या किया, वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा नहीं, टिक किया, उनको समझा नहीं और आगे बढ़ गए। तो फिर आज हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। अब RGPV बच्चों के लिए वीडियो बना के दे रही है, RGPV बच्चों के लिए बहुत आसान करना चाह रही है सिस्टम, तो इसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि आप लोग एग्ज़ाम दो, जिनको जल्दी डिग्री चाहिए वो एग्ज़ाम दें। लेकिन इसमें आप कंप्लेंट्स, आप फीडबैक्स, मतलब ये इन फीडबैक्स में आपको कुछ फीडबैक शेयर करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि विदाउट रफ वर्क। अरे किसने मना किया रफ वर्क करने के लिए, आप बिल्कुल रफ वर्क करो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए तो यूनिवर्सिटी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, एग्ज़ाम आपको देना है। कोविड की सिचुएशन के चलते हम आपको यूनिवर्सिटी तक नहीं बुला रहे हैं, कॉलेजेस तक नहीं बुला रहे, लेकिन आपको कहीं ऐसी जगह जाके बैठना होगा जहाँ आपको नेटवर्क मिले। और नेटवर्क को चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि आप जहाँ बैठे वहाँ पर यूट्यूब का एक वीडियो स्टार्ट करें, अगर वो बफर हुए बिना बराबर चल रहा है, इसका मतलब कि आपका नेटवर्क फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। तो मैं एक आपको डेमो एग्ज़ाम देके बताता हूँ कि करना क्या है। वेबसाइट का नाम है rgpvexam.in। एक बार आपने यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम और अपने डिटेल्स डाले, उसके बाद आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि पूरे एग्ज़ाम में कहीं पे भी रिफ़्रेश का बटन नहीं दबाना है। अच्छा, रिफ़्रेश का बटन आपको कंप्यूटर में तो दिख रहा है कि मैं रिफ़्रेश करूँगा तो रिफ़्रेश हो जाएगा इस बटन पर क्लिक करके, लेकिन मोबाइल में जस्ट मैं ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड कर दूंगा तो मेरा ब्राउज़र रिफ़्रेश हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना है आपको। अगर रिफ़्रेश कर दिया तो आपको परेशानी आएगी, आपको एग्ज़ाम से बाहर फेंक दिया जाएगा, रिफ़्रेश नहीं करना है। मेन एग्ज़ाम्स में हालांकि कैसा होगा, मेन एग्ज़ाम में आप अपना सेशन फिर से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आपके टाइम की बर्बादी होगी, कम से कम 5 से 10 मिनट बर्बाद हो जाएंगे आपके रिफ़्रेश करने में। और लोड की जो कुछ स्टूडेंट कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट नहीं खुली, तो आप समझिए कि RGPV ने इसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पे होस्ट किया हुआ है और AWS के सर्वर्स पे वेबसाइट है, तो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम कोई सोच ही नहीं सकता कि वेबसाइट खुलेगी नहीं। आपके फ़ोन में नहीं खुल रही, हो सकता है नेटवर्क इशू, आप दूसरे फ़ोन में खोलें, दोनों में नहीं खुल रही, इसका मतलब है कि आप जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पर नेटवर्क बराबर नहीं है, आप कहीं और जाके इसको ओपन करिए। ये वेबसाइट थोड़ी हैवी है क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है नेटवर्क इशू। तो मैंने सिंपली आपको बताया कि रिफ़्रेश नहीं करना है। फिर मैंने एक स्टूडेंट का नाम गौरव नेमा, मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, और एनरोलमेंट नंबर, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, से 0101, जो भी EC ब्रांच है आपकी, उस 1 2 3 4 5 6, वो मैंने एनरोलमेंट नंबर यूज़ किया। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको वही डालनी है, सो मैंने अभी जो सैम्पल में दिया है मैंने उसी को यूज़ कर लिया है, ये डाला, इस पॉइंट पर मैंने एंटर किया। और एंटर करने के बाद मैं, अब ये इंस्ट्रक्शन सेट वन है, पहली इंस्ट्रक्शन, सबसे पहला पॉइंट है कि क्रोम के अलावा किसी और में नहीं चलेगा। ये क्रोम में नहीं चलेगा ये कह दिया गया है, इसका मतलब बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। आपके क्रोम को कैमरा का एक्सेस भी देना होगा, आपका क्रोम ब्राउज़र ही होना चाहिए। कुछ कुछ आईफोन में हमने महसूस किया कि उनके क्रोम में परेशानी आ रही, उनके आईफोन में सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा है जिसकी वजह से परेशानी आ रही, वो कैमरा को एक्सेस नहीं दे रहा है। तो फिर आप आईफोन ना यूज़ करें, अभी तो मेरा सजेशन ये है, जब तक कोई सिक्योरिटी अपडेट्स हम लोग ना दें आपको, आप एंड्रॉयड में यूज़ करिए। और कंप्यूटर में आप मैक में यूज़ करेंगे तो बराबर चलेगा। ओके, अच्छा, अभी इस पॉइंट पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, तो एंटीवायरस इस क्रोम जो एक्सेस करेगा आपके कैमरे को, उसको अलाउ करे, उसको ब्लॉक ना करे। अगर एंटीवायरस आपके कैमरे को ब्लॉक करेगा तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फायरवॉल्स हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारा काम है आपको सिर्फ एग्ज़ाम चालू करके देना, एग्ज़ाम प्रॉपरली ऑपरेट हो, सो नेटवर्क वगैरह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको सब मिल जाएंगी। इस एग्ज़ाम के लिए हमने रिपोर्टिंग टाइम रखा है कल के एग्ज़ाम के लिए 10:45, 10:45।
10:45 पे आपको चालू कर लेना है, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, यहाँ सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे होगा। आप इसको कैमरा, लैपटॉप पे, सब जगह पे चला सकते हो। फ्रंट कैमरा होना चाहिए आपके फ़ोन में। आपने सोचा कि स्मार्टफोन में दे लूँ, लेकिन फ्रंट कैमरा नहीं है तो एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ओके, सो कैमरा को एक्सेस करिए, ये सारी चीज़ों का पढ़ने, इसीलिए हम आपको 10:45 पे 15 मिनट पहले आने के लिए बोल रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन चेंज होते रहते हैं, अभी किसी दिन कोई इंस्ट्रक्शन चेंज हो गया तो हम आपको कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से मैंने प्रोसीड किया सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद, सबसे लास्ट में फीडबैक है, यहाँ आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कल के एग्ज़ाम के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस भी बताया कि किसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या होगा। प्रोसीड किया मैंने, और प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे अब ये पॉइंट है कैमरा चेक होने का। कैमरा चेक होने का मतलब है कि चेक करेगा हमारा सॉफ्टवेयर कि आपने क्रोम को कैमरा का एक्सेस दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पे जो हम फोटोग्राफ ले रहे हैं, इस फोटोग्राफ का कोई सेंस नहीं है एग्ज़ाम के एडमिशन कार्ड से या किसी भी चीज़ से। हमने सिंपल एक फ़ोटोग्राफ लिया है, उसके बाद उसको टेक पिक्चर पे मैं क्लिक करूँगा, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको टेक पिक्चर पे क्लिक करना है। तो टेक पिक्चर के बाद वो वहीं आगे बढ़ गया, आपको उसने आपसे कुछ पूछा भी नहीं, उसने चेक कर लिया कि हाँ फोटोग्राफ कैमरा एक्सेस भी हो रहा है और पिक्चर भी क्लिक हो रही है, तो वो बस इतना ही करेगा। हाँ, पीछे जब आप कैमरा से फोटोग्राफ लेंगे तो आपको ध्यान देना है कि लाइट का सोर्स, मतलब जहाँ से लाइट आ रही हो, बल्ब हो, खिड़की हो, वो आपके पीछे नहीं होनी चाहिए, वो आपके आगे होनी चाहिए, जिससे कि लाइट आपके चेहरे पे आए, ना कि कैमरे के लेंस पे। कैमरे के लेंस पे आएगी तो पिक्चर आपका क्लियर नहीं आएगा और फिर आप शायद एग्ज़ाम में ना बैठ पाएंगे। तो वो उसका लाइट को आपको खासा ध्यान रखना होगा, है ना। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा इस पॉइंट पे कि आपका रिपोर्टिंग टाइम 10:45 है, एग्ज़ाम 11 बजे स्टार्ट होगा, 11:15 के बाद, यानी कि 11:15 के बाद यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट द एग्ज़ाम, और 11:45 पे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको कुछ ध्यान देनी होंगी, ठीक है ना। अभी मैंने ये इनको टिक किया, सारी कंडीशंस मैंने पढ़ी हैं कि कैसे लॉग इन करना है, मोबाइल लैपटॉप से करना है। इसको आप पढ़िए, इंग्लिश में भी है, किसी को अंग्रेजी में समस्या हिंदी में है ना। 3G कनेक्शन आपको कनेक्शन अरेंज करना है मिनिमम। वी सजेस्ट कि आप 4G पे करें, 4G बहुत अच्छा है, आप उस पर काम करें, और स्पीड होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि यूट्यूब का वीडियो बफर नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली चलना चाहिए, है ना। सो ये मॉक टेस्ट में 5 क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे मॉक टेस्ट है। अब मॉक टेस्ट में हमने पहले लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो स्टूडेंट ने कंडीशन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या मैं क्या बोलूँ। वो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आपके सिलेबस से आ ही नहीं रहे, जनरल क्वेश्चन हैं, अभी पेपर आपके अपलोड थोड़ी हुए हैं इस पर। ओके, फिर ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैंने, आपने टिक किया कि डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, हाँ ये क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे, उसमें से एक सही आपको चूज करना है। तो क्लियरली लिखा है, इस पे अपन डिस्कस क्या करेंगे। क्वेश्चन मैप है, ये भी आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन मैप आपको कहाँ दिखेगा, आपको चाहिए कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बाद में दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पहले दूंगा, तो वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, है ना। कस्टम फीडबैक अगर आपको कुछ देना है तो सबसे लास्ट में है, मैंने आपको बताया 45 मिनट्स का एग्ज़ाम है। आपको बॉटम राइट, राइट मतलब हमारे सीधे हाथ पे नीचे आपको दिखेगा कि आपका कितना टाइम बाकी है, और लेफ्ट साइड में नीचे आपको वार्निंग आएंगी। वार्निंग आएंगी मतलब किसी स्टूडेंट ने सोचा कि मैंने ये क्वेश्चन देखा और मैं इस टैब से छोड़ के चला जाऊँ और यहाँ पे दूसरे टैब पे जाके एग्ज़ाम दे, कुछ गूगल कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर ऐसा करेंगे तो सिस्टम आपको ट्रेस कर रहा है, आप का एक वार्निंग काउंट बढ़ जाएगा। फाइनल एग्जाम में ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो 5 वार्निंग देती है, 10 वार्निंग देती है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर 5 वार्निंग है, आप इसका मतलब कि आपने 5 बार टैब चेंज किया, या ब्राउजर को मिनिमाइज किया, या गलती से आपने स्मार्टफोन में जो अपना होम का बटन होता है, जो बीच वाला बटन होता है गोल वाला, वो दबा दिया, तो आपको एक वार्निंग जनरेट होगी। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि क्रोम अगर चालू हो गया तो अगले 2 घंटे तक आप इसको बंद नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते। लाइट की अपन बात कर ही चुके हैं, तो ये सारी कंडीशंस हैं, आप इन्हीं को अगर बात करेंगे। और यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि डू नॉट प्रेस यूज द रिफ्रेश बटन बैक फॉरवर्ड। फिर भी पॉलिटेक्निक के ढेर सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की है कि वो रिफ्रेश बटन दबा दिया तो ऐसा हो गया, तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। रिफ्रेश मतलब अब आपका पेज सबमिट होके फिर से सर्वर पे गया है, नया डेटा लेके आना, तो आपको फ्रेश एग्जाम मिलेगा, तब तक एग्जाम का टाइम खत्म हो चुका होगा, आपको एग्जाम एक्सेस करने को नहीं मिलेगा, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने टाइम बताया कि ठीक 10:45 पे एग्जाम चालू होगा कल, और 11 बजे आपको एग्जाम स्टार्ट करना है, 11:15 के बाद आप एग्जाम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है। ये वार्निंग कितनी बार आई, ये सब यहाँ लिखा है, तो आप लिखें कि क्या क्या होने पर आपको वार्निंग मिलेगी। हाँ, एक और बात, बच्चों ने फीडबैक दिया है कि ये शुरू में 1-2 दिन हमने जो हमारे सॉफ्टवेयर का
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल है उसको फुल करके रखा हुआ था, तो आप हिल रहे थे तो भी वार्निंग जनरेट हो रही थी, आप इधर उधर देख रहे थे या पेपर की तरफ देखने की कोशिश तो भी वार्निंग हम जनरेट कर रहे थे, लेकिन अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल को बहुत लोअर कर दिया है, तो अब कैमरा ये देख रहा है कि आप सिस्टम की तरफ देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, आप अपना पेन उठाने के लिए झुके, कोई वार्निंग जनरेट नहीं होगी इन सब पे, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई फीडबैक में ये ना डाले कि हमने कैमरा में ये किया तो ऐसा होगा, क्योंकि हमें पता हमने कैमरा की वार्निंग ही बंद कर रखी है। अब कैमरा वार्निंग तभी देगा जब कैमरा में उसको दो लोग दिखेंगे या फिर आप कैमरा के सामने से हट के जाएंगे तो ही वो वार्निंग आएगी, नहीं तो वार्निंग आपके पास नहीं आएगी, है ना। तो ऐसा कोई फीडबैक हमें ना दें, है ना, हम ऐसे फीडबैक को पढ़ते भी नहीं है, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट स्टॉप द कैमरा वंस एग्जाम इज स्टार्टेड, वो कैमरा कंटिन्यूसली आपका चलता रहेगा और हर रेगुलर इंटरवल पे हम आपके फोटोग्राफ्स लेते जा रहे हैं, है ना। ये एग्जाम नहीं कैन नॉट बी रिप्लेस, मतलब मेरी जगह कोई और बैठ के एग्जाम नहीं दे पाएगा जी। ये सब बैकग्राउंड में सारी चीज़ें चेक होती रहेंगी, तो इसका ध्यान रखें। वहीं आपको ये हम एडवाइस भी करेंगे, आप टोपी लगा के ना बैठें, मास्क पहन के ना बैठें, आप अकेले बैठे, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ना रखें, लेकिन आप अकेले बैठे तो आपको मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैप नहीं लगाना है आपको, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, हेडफोन या ईयरफोन नहीं लगाना है, ईयर प्लग्स नहीं लगाना है, या फिर ब्लूटूथ से कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं होना है। ऐसे केसेस में आपका UFM बनेगा और आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। हमारे पास आपके फोटोग्राफ्स होंगे इस बात को प्रूव करने के लिए कि आपने एग्ज़ाम में ब्लूटूथ या किसी डिवाइस की से को यूज़ करके चीटिंग की है, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका टाइम, सो ये आपका जैसे ही टाइम ख़त्म होगा तो एग्ज़ाम अपने आप सबमिट होगा, है ना। आप अपने सिस्टम में सिर्फ ब्राउज़र खोलें, इस ब्राउज़र के साथ अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर और चलाया जिससे आप ये सोचें कि हम चीटिंग कर लेंगे, तो हमारा सॉफ्टवेयर बहुत कुछ मॉनिटर कर रहा है, तो वो आप नहीं चला पाएंगे जी। सेकंड मॉक टेस्ट कंपलसरी है, 17 और 18 तारीख को होगा, एक साथ होगा, और ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होगा। तो अभी तो आप क्या कुछ भी एनरोलमेंट नंबर डाल के चले आते हैं, ऐसा 17 18 वाले मॉक टेस्ट में नहीं हो पाएगा। उसमें एक्चुअल सारे डिटेल्स आपके चेक होंगे, सारा डेटा आपका चेक होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम आप ही कर पाएंगे। और उसके लिए हम एक अलग से वीडियो जारी करेंगे, दिशा निर्देश जारी करेंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 2-3 दिन में स्टार्ट होगा, तब तक के लिए आप अपने मॉक टेस्ट दें। अच्छा, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ये आपके फ़ोन में, स्मार्टफोन में आप टेलीग्राम का मैसेंजर इंस्टॉल करें और इस ग्रुप से कनेक्ट होंगे, तो ये ग्रुप में क्या होगा, आप इस लिंक को कॉपी करके रख सकते हैं, इससे होगा ये हमारे होम पेज पे भी दिया हुआ है ये वाला लिंक, ताकि एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल समस्या है, हमें आपको कोई चीज़ अपडेट करनी है, हम इमीडिएटली आपको अपडेट करेंगे, तो हम स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे इसके थ्रू। और ये जो वीडियो है ये भी आपको RGPV भोपाल चैनल पे ही मिल जाएगा, चैनल का जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ दे रखा है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपडेट्स जैसे ही आएंगे आपको मिल जाएंगे। सो मैंने फाइनल यहाँ पे टिक किया, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया, तो ये अभी तक मेरी सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी जिन्हें हमें चेक करना था। अब जो भी डिटेल मैंने शुरू में भरे थे वो सारे डिटेल्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जो मैं फ़ोटोग्राफ लूँगा, एक्चुअल एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होगा, अब जो मैं फ़ोटोग्राफ लूँगा ये फ़ोटोग्राफ आगे तक यूज़ होगा, ये फ़ोटोग्राफ आपका बेस फोटोग्राफ है जो पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में चलेगा, ये फ़ोटोग्राफ वही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके एडमिट कार्ड पे है। सो मैंने स्टार्ट किया कैमरा मेरा और मैंने एक फ़ोटोग्राफ लिया यहाँ पे और मैंने एक टेक पिक्चर कर दिया। आपने कहा कि ये पिक्चर पसंद नहीं आया हमको, तो आप फिर से टेक पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए, तो मैंने फिर से टेक पिक्चर पे क्लिक कर दिया। तो फोटोग्राफ हम चेंज भी कर सकते हैं, ये भी पसंद नहीं आया फिर से टेक पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। और मैंने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 सेकंड का एक हमने वेट टाइमर लगा रखा है ताकि आप तैयार हो जाएं, पेन पेपर अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप अपने साथ रख लें, और नहीं तो ये इसलिए भी ये चेक करेगा कि 11 बजे से पहले अगर आपने एग्ज़ाम स्टार्ट कर लिया तो ये स्टार्ट नहीं होने देगा। इसके बाद अब आपका एग्ज़ाम फाइनली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों ने कंप्लेंट की हुई है कि इनकमिंग कॉल्स आ रहे हैं उस समय हमारे एग्ज़ाम मिनिमाइज़ हो जा रहा है या वार्निंग जनरेट हो रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या एक्चुअल एग्ज़ाम में सेलफ़ोन यूज़ कर सकते हैं? नहीं। तो आप बोलेंगे कि हमें सेलफ़ोन बंद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट चलाना है, तो मैं क्या सजेस्ट करूँ आपको, आपके फ़ोन में कॉल की सेटिंग्स में फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है, आप सारे के सारे अपने कॉल्स किसी दूसरे नंबर पर, अपने घर के किसी और के नंबर पर फॉरवर्ड करके छोड़ दीजिए, ताकि आपके फ़ोन से सिर्फ इंटरनेट चल सके।
तो आपका कॉल फ़ोन डिसकनेक्ट भी नहीं होगा, कॉल्स भी आपके कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको कॉल किसी भी हालत में पिकअप नहीं करना है। अगर हमें किसी भी फोटोग्राफ में आप फ़ोन यूज़ करते हुए पाए गए तो UFM भरा जा सकता है आपका, है ना। लाइट का ध्यान रखिएगा, फ़ोटो खींचते टाइम जो आपने बेस फोटोग्राफ लिया था उस टाइम पे लाइट आपके सामने चेहरे पे आए, कैमरे के पीछे से नहीं आए, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक इमेज हो सकती है क्वेश्चन में, अगर इस इमेज होगी तो इस इमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, फिर आपके उसके चार आंसर्स होंगे। सो मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। अब देखिए माउस हटाया मैंने तो मेरा पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट है। अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। मेरे को लगता है नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, तो मैं क्लियर का बटन दबाऊंगा, ये सारी चॉइसेस मेरी क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं थोड़ी देर से आऊँगा इस क्वेश्चन पर और मैं क्वेश्चन टू पर चला जाऊँगा। अभी देखिए ये इसका कलर येलो हो गया, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन में देख चुका हूँ, इसलिए येलो हो गया, है ना। फिर मैं सीधे अचानक से यहाँ आ गया तो क्वेश्चन एट पे पहुँच गया। मैं कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन पे जा सकता हूँ बीच में। मेरे को लगता नहीं ये नहीं देखना, ये नहीं देखता, जो जो आप क्वेश्चन देखते जाएंगे वो येलो होता जाएगा। मैं वापस वन पे गया, मैंने क्वेश्चन को सबमिट किया, सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, दूसरा क्वेश्चन देखा, इमेज है यहाँ पे, आंसर है। आंसर हमेशा ऐसे ही होंगे ऑप्शंस में। मैंने फिर नेक्स्ट किया तो जो भी मेरे को चूज़ करना है मैंने वो चूज़ कर लिया। क्वेश्चन मैप, हाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन मैप आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। क्वेश्चन मैप, ये जो मैप है ये आपके मोबाइल पे प्रीवियस और नेक्स्ट के बीच में एक दूसरा बटन है, व्यू ऑल। इस जगह पे मोबाइल पे अगर आप देखेंगे तो व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको सारा क्वेश्चन मैप दिखेगा और वहीं पे आपको ये सबमिट का बटन भी दिखेगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे आपके टेस्ट होंगे बड़े आराम से, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर टाइमर है मेरा, 45 मिनट्स का एग्जाम है, तो 42 मिनट, 3 मिनट निकल चुके, 42 मिनट बचे हैं, टाइमर मेरे को दिख रहा है। ये वार्निंग काउंट 0 है। अब मैंने देखिए यहाँ पर टैब को मिनिमाइज़ किया, टैब को मिनिमाइज़ किया, दूसरा खोला, यहाँ पे वार्निंग काउंट 1 हो गया, ये मेरे को एक वार्निंग आ गई है। तो ये तो अभी हमने टेस्ट के लिए 20 वार्निंग लगा रखी है, एग्जाम में हो सकता है अगर हमसे यूनिवर्सिटी बोले 5 वार्निंग लगाना तो हम 5 वार्निंग सेट कर देंगे। तो आपको ध्यान देना है, टैब बंद नहीं करना है, मिनिमाइज़ नहीं करना है, आपकी गलती होगी, एग्ज़ाम आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, वो आपके मार्क्स वैसे ही माने जाएंगे, फिर उसमें हम कोई फेरबदल तब्दीली नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन पर जा सकते हैं। अच्छा, पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए अगर उनको हिंदी में एग्ज़ाम देना है तो यहाँ इंग्लिश दिख रहा है आपको, लेकिन हिंदी पे क्लिक करना तो हिंदी का बटन भी यहाँ पे, हर पॉलिटेक्निक के सारे बच्चों को हिंदी का ऑप्शन भी दिखेगा। सो हिंदी क्लिक किया मैंने तो मेरा पूरा पेपर हिंदी में हो गया, और मैंने नेक्स्ट किया और मैं आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन मेरे पास फिर इंग्लिश में आ रहा है, मैं इसको फिर हिंदी में देख सकता हूँ, तो आपकी मर्ज़ी कि आप इसको कैसे देखना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट किया मैंने, अब जिस क्वेश्चन में हिंदी का ऑप्शन होगा आपको वहाँ हिंदी दिख रही है, जिसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं होगा वहाँ हिंदी नहीं दिख रही है आपको। तो बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है, सारे क्वेश्चन आपने चेक कर लिए, फिर से चेक कर लिए, हो गया, क्वेश्चन मैप पे आप आ गए और मैंने सबमिट कर लिया। इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैकग्राउंड में मेरा कैमरा जो है वो चल रहा है, कंटिन्यूसली मेरा कैमरा चल रहा है। तो आप देखेंगे कि इसके सामने ये ऊपर देखेंगे तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मैं इधर से उधर गया, मैं इधर जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा इधर हटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो कुछ बच्चे जो कह रहे हैं आंखें ब्लिंक करने पे ऐसा हो रहा है, ये सब इनको मैं डकियानूसी बातें बोलता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस पर ध्यान ना दें और अपना एग्ज़ाम चलाएं और नेक्स्ट करें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है ना। तो और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फ़ोन आपके पास, लैपटॉप है, लैपटॉप में कैमरा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छा कैमरा है। आप जरा खुद चालू करके एक बार अपना वीडियो देखिएगा तो सही, उसमें कैसा, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कैमरा को समझ ही नहीं आएगा। आपने देखा वो पुराने जो कैमरे होते हैं उसमें सब कुछ ब्लैक दिखता है, तो हमारा एग्ज़ाम कैसे समझेगा कि ये आपकी इमेज है और वो दीवार है, तो उसको क्लियर पिक्चर दिखनी होगी। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम, तो आप अपने स्मार्टफोन से एग्ज़ाम दीजिए। आजकल स्मार्टफोन में मिनिमम, कोई भी स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल से कम का कैमरा नहीं है, तो आप उससे दीजिए। नहीं है तो आप अपने पड़ोसी से लेके आ जाइए, उसके फ़ोन से एग्ज़ाम दीजिए। ये वेबसाइट किसी भी फ़ोन पे क्रोम में चलेगी, तो परेशानी है ही नहीं, 2 घंटे के लिए कोई भी आपको अपना फ़ोन दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, तो सबमिट का बटन, मैं सिंपली सबमिट का बटन दबाऊंगा और मेरा एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। अभी आपको लगता है कि सबमिट नहीं करना है तो आप कैंसिल कर दीजिए। आपको उसने बताया कि अभी आपने सिर्फ 8 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 20 में से, तो वो है ना, तो मैंने ओके कर दिया यहाँ पे, तो मेरा एग्ज़ाम जो है सबमिट हो गया। अभी
ये सबमिट होने के बाद यहाँ पे हमने फीडबैक का बटन दिया है। सो हम चाहते हैं कि आप एक जेन्युइन फीडबैक दें और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बात करें कि यहाँ आपको क्या परेशानी आई, क्या दिक्कत आई, वो सब चीज़ें करें। इसीलिए ये वीडियो बना मैसेज बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि आप प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बात करें, तो है ना। अब जैसे कि आपने कहा कि पावर कट इशू है, हमारे लाइट चली जाएगी, तो ये मॉक टेस्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक्चुअल एग्जाम में हम आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं उतना हम सेव करा के रखेंगे, आप फिर से चालू करेंगे, फिर से एग्जाम चालू हो जाएगा और वहीं से चालू हो जाएगा आपने जहाँ से छोड़ा है। तो लाइट चली गई 5-10 मिनट के लिए आप कर ले, और वैसे भी मोबाइल में लाइट जाने का लॉजिक समझ में नहीं आया कि मोबाइल में लाइट चली गई तो क्या फ़र्क पड़ा। आप पहले से चार्ज करके बैठे, लैपटॉप को आप पहले से चार्ज रखें और मोबाइल को भी चार्ज रखें, हॉटस्पॉट से बना के इंटरनेट चलाएं, कहीं कोई समस्या इसमें है ही नहीं। और आपको लगता है कि पावर कट आपके एरिया में होता है तो फिर आप कहीं और जाके बैठे, पावर कट में यूनिवर्सिटी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। मोबाइल कोई भी पुराने से पुराना मोबाइल भी 10 घंटे का बैकअप देता है, तो आप मोबाइल पे एग्ज़ाम दे, कोई नहीं कह रहा कि आप लैपटॉप पे एग्ज़ाम दे। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अभी हम एक वीडियो और बनाएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड, फिर एक वीडियो बनाएंगे हम आपको सेकंड मॉक टेस्ट कैसे देना और फाइनल एग्ज़ाम कैसे देना है। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप अपने फीडबैक में दीजिएगा, हम एक एक फीडबैक पढ़ते हैं, हमारी टीम एक एक फीडबैक पढ़ती है, तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर कुछ फीडबैक को पढ़ के हमने, जिन्होंने कहा था वीडियो से रिलेटेड कंप्लेंट की थी, तो हमारे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं। उन्होंने कहा कि कैमरे में ही परेशानी आई, तो मैंने कहा कैमरे में तो हमने आज कुछ करा ही नहीं था, तो आपको परेशानी कैसे? बोले सर वो हम पहले टेस्ट का फीडबैक दे रहा था। तो आप समझो मतलब कि इंसान है हम लोग भी, समझते हैं हर चीज़ को, जो जेन्युइन बात है वैसा ही फीडबैक दें, है ना। तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपको फेल करे, यूनिवर्सिटी चाहती है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छे से अच्छा हो, इसीलिए ऑनलाइन कर रहे हैं। आप एक बार करके देखेंगे तो आपको लगेगा ना, महसूस होगा कि ये कितना आसान एग्जाम है हमारे रिटर्न एग्जाम वाला, जो पहला पुराना जो ऑफलाइन मैथड होता था। तो बिल्कुल दें, और जो भी समस्या हो फीडबैक में दें। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय हिंद, जय भारत।